किसान के लिए नहीं है। खाओ खेलो, खेलते क्यों नहीं है? नहीं आ तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जावेद मियांदाद, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इसने बोल दिया गो टू हेल। जावेद मियांदाद का समधी आपको पता है कौन है? दाऊद इब्राहिम। जावेद मियांदाद के बेटा और दाऊद इब्राहिम की बेटी, इनकी शादी है। तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस वहां से भी आता है। इसका कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि ये बहुत बड़ा बैट्समैन था। बीसीसीआई की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेगी, उस पर पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन जावेद मियांदाद की तरफ से हार्श किस्म की स्टेटमेंट जो है वो सुनने को आई है। तो उन्होंने भारत को मतलब जो है टारगेट करते हुए कहा है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही तो ना आए बेशक। पुराने जमाने में, मतलब कि जो कि जावेद मियांदाद वाला जमाना है, उस जमाने ही कोई क्रिकेटर ने इंडिया के आज तक कोई पाकिस्तान से रिलेटेड बातें की हो, क्या पता की भी हो, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन रिसेंटली मैं पिछले 30 दिन से मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि काफी सारा जिसको कहते हैं ना प्लेयर्स हमारे इंडिया का नाम यूज कर रहे हैं। आज अगर मैं बात करूँ जावेद मियांदाद जो कि एक लेजेंड क्रिकेटर है, बड़ी जबरदस्त उनकी क्रिकेट की जिसको कहते हैं क्लास रही है, लेकिन उन्होंने बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। अब इस स्टेटमेंट के बाद आप ये देखिए, आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी कि वहां से भी बड़े खतरनाक जवाब आने हैं। क्यों? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर जावेद मियांदाद ने भारत के ऊपर दिया अजीबोगरीब बयान, जहां पर एक मीडिया पर्सन है जावेद मियांदाद को पूछा कि भारत पाकिस्तान में आना नहीं चाहता और पाकिस्तान से एशिया कप छीना जा रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? वहीं पर जावेद मियांदाद ने यह कहा कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आता तो भारत भाड़ में जाए, यही है पाकिस्तान की असली सोच, जैसे कि उनके दिमाग में सब भरा हुआ है, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसको बोलते हैं जिहादी माइंडसेट, और यही कारण है कि पाकिस्तान की हालत आज क्या से क्या पहुंच गई है। वहीं पर बीसीसीआई ने और भारत के प्लेयरों ने भी इसके ऊपर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि हमें जावेद मियांदाद को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, जो टेररिस्ट को अपना समधी बना सकता है तो उसके पास से ऐसे ही बयान आ सकते हैं और उनसे उम्मीद भी किसी अच्छे की नहीं कर सकते। और यही कारण है कि आज पाकिस्तानी मीडिया भी जावेद मियांदाद को भला बुरा कह रहा है, क्योंकि एक बड़े ओहदे पर होकर तुम ऐसे बयान नहीं दे सकते, इससे देश की छवि खराब होती है। पर इनको देश के बारे में क्या पता, जो हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। तो क्या जावेद मियांदाद को बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि वो भारत के बारे में क्या बोल रहा है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। कह रहा है कि इफ इंडिया डज नॉट वांट टू कम, वी डोंट केयर, गो टू हेल। अच्छा, ये ना जावेद मियांदाद, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इसने बोल दिया गो टू हेल। जावेद मियांदाद का समधी आपको पता है कौन है? दाऊद इब्राहिम। जावेद मियांदाद के बेटा और दाऊद इब्राहिम की बेटी, इनकी शादी है। तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस वहां से भी आता है। इसका कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि ये बहुत बड़ा बैट्समैन था, जो कि था एक्चुअली एक जमाने में, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस वहां से नहीं आता। इसका कॉन्फिडेंस यहां से आता है कि दाऊद इब्राहिम इसका समधी है और ये बंदा उस चीज का पाकिस्तान में पूरा फायदा उठाता है, और ये तोतला भी है, ये तोतला भी है। जावेद मियांदाद को कभी बोलते देखिएगा, पूरा तोतला है ये, राइट? और मैं, जावेद मियांदाद ने इंडिया को बोला गो टू हेल, तो मैं जावेद मियांदाद की जबान में जावेद मियांदाद को कुछ समझाना चाहता हूं। जावेद भाई, क्यों बोला मान ले हो, क्या हो गया? बोला लगा थो थोड़ी, ठीक है? और जावेद भाई क्यों परेशान हो रहे यार? ये देखो ना, तुम्हारे लिए ये लाया हूं, ये देखो प्याज। ये सिर्फ प्याज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है। तो जावेद भाई दिल बुरा मत करो, इंडिया गो टू हेल, फलाना गो टू हेल, ये बोलने से क्या था? प्याज खाओ यार, मैं भेजता हूं तुम्हारे लिए, पूरे पाकिस्तान की जीडीपी एक कटोरे में, और जब प्याज खा लोगे बाकी कटोरा अपने पास रख लेना, भीख मांगने काम आएगा। इंडिया को गो टू हेल है जी, देख रहे हो जावेद भाई? दिस इज फॉर यू जावेद मियांदाद, प्याज ध्यान रखना इस प्याज का। कि मैंने ये नहीं देखा कि इतने पुराने जमाने में,
मतलब कि जो कि जावेद मियांदाद वाला जमाना है, उस जमाने ही कोई क्रिकेटर ने इंडिया के आज तक कोई पाकिस्तान से रिलेटेड बातें की हो, क्या क्या पता की भी हो, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन रिसेंटली मैं पिछले 30 दिन से मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि काफी सारा जैसे कहते हैं ना प्लेयर्स हमारे इंडिया का नाम यूज कर रहे हैं। आज अगर मैं बात करूँ जावेद मियांदाद जो कि एक लेजेंड क्रिकेटर है, बड़ी जबरदस्त उनकी क्रिकेट की जिसे कहते हैं क्लास रही है, लेकिन उन्होंने बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। अब इस स्टेटमेंट के बाद आप ये देखिए, आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी कि वहां से भी बड़े खतरनाक जवाब आने हैं। क्यों? क्योंकि आपने बड़े हार्श वर्ड यूज किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि ये इश्यू चल रहा था एशिया कप का, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर दे रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने कभी देखा है कि जिसको कहते हैं कि कोई और क्रिकेटर ने ऐसे कोई खतरनाक अल्फाज यूज किए? जावेद मियांदाद जिसको कहते हैं थोड़े ओपन माइंडेड है, वो जिसको कहते हैं ना रुकते नहीं है, वो बोल देते होते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ थोड़े हार्श वर्ड्स है। क्योंकि एक तरफ कोशिश सबकी यही है कि इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो राइवलरी है वो दोबारा से बहाल हो, सीरीज इनकी आपस में शुरू हो, मैचेस हो, इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान इंडिया जाके क्रिकेट खेले, ये उम्मीद रख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ऐसी बातें आएंगी ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जिसको कहते हैं ना वो जले पे नमक छिड़कना, तेल छिड़कने वाला हिसाब हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हर कोई जिसको कहते हैं ना कूदेगा बीच के अंदर और फिर मामला खराब होंगे। फिर उम्मीद नहीं आप कर सकते कि अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि हर कोई जिसको कहते हैं ना बातें करे, लेकिन जिसको कहते हैं एक लिमिट में रह के कोई ज्यादा खतरनाक वर्ड यूज ना हो। अगर वहां से यूज हो रहे हैं तो वो लोग ना करें, अगर यहां से यूज हो रहे हैं तो ये लोग ना करें। बस बोले जिससे जो बोलना है बोले, लेकिन इतने खतरनाक वर्ड यूज नहीं होने चाहिए। वन कंट्री की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स का आना के भाड़ में जाए, ये वो आपको नहीं लगता ये मतलब जलती पे जो है तेल का काम करेगी? ये थोड़ा सा ज्यादा हार्श हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, थोड़ा सा यानी कि क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा उनको एक मोहतात लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए थी इसके लिए। जो मेज़बान है उसको चाहिए था ऐसे नहीं कहना चाहिए, उनको बल्कि वेलकम करना चाहिए। अगर वो नहीं आते तो जो वो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, और सिक्योरिटी का पर्पज़ है किसी चीज़ का भी है वो पूरा करें, तो वो पाकिस्तान में आए और खेलें ताकि हमारे पाकिस्तानों के भी जो हालात बेहतर हों। लोग बड़े वैसे ही ये हालात में तंग हैं, महंगाई की इतनी ज़्यादा मसले मसाइल है, तो जब आएंगे लोग बाहर से भी लोग आएंगे मैच देखने के लिए तो हमारे लिए वो जो है बेहतर है। कोई टीम या कोई प्लेयर या कोई ऐसा मसला होता है वो नहीं आ रहा तो आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते? नहीं, हार का डर तो नहीं है। ये देखो क्रिकेट का मैदान है, वहाँ पर खेलें, कंपटीशन है, जीतें, बल्कि वो अगर पाकिस्तान में आए उनको वेलकम करें, उनके साथ खेलें। पाकिस्तान तो चाहता है कि जब दूसरी टीमें भी आएँ यहाँ पे खेलें, और जब ये मैच होगा तो सारे इंजॉय करेंगे, वहाँ के भी लोग, यहाँ के भी लोग, और पूरी दुनिया देखेगी, इससे उनके लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा। ICC को ज़्यादातर फंडिंग जो है ना BCCI से मिलती है, ठीक है, तो वो यही समझते हैं कि ये हमारे अंडर ही है,